मुबारकपुर रेलवे अंडरब्रिज आजकल लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। अंडरब्रिज की जर्जर हालत और सड़कों में बने गहरे गड्ढों के कारण आज एक कार और एक जीप खराब हो गई और लंबा जाम लगा रहा। वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी से भरे गहरे गड्ढों में जहां छोटी गाड़ियां फंस रही हैं, वहीं रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। वहीं भारी वाहन गहरे गड्ढे में गिरकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसके अलावा दोपहिया वाहन, रिक्शा चालक अब अंडरब्रिज से गुजरने से परहेज करने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। लोगों का कहना है कि 6 फरवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने दौरे के दौरान भानखरपुर गांव में घोषणा की थी कि मुबारकपुर अंडरब्रिज की मरम्मत के लिए 2.25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसका कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आज सुबह एक कार और एक लोडर महिंद्रा पिकअप जीप अंडरब्रिज के बीच गड्ढे में फंस गई, जिससे कई घंटों तक जाम लगा रहा, जिससे सैकड़ों वाहन चालकों को 3 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि पिछले साल 15 नवंबर 2023 को डिप्टी कमिश्नर मोहाली की ओर से समाचार पत्रों के माध्यम से एक बयान जारी किया गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि रेलवे अंडरब्रिज की मरम्मत के लिए जिला प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग को 60 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया था कि अंडरब्रिज की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 1.20 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से अपने हिस्से की आधी राशि मंजूर कर दी गई है। अंडरब्रिज की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृत होने के 3 माह बाद भी जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग अंडरब्रिज की मरम्मत का कार्य शुरू कराने में विफल साबित हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ भारी रोष है। डेरा बस्सी से हरदीप सिंह की विशेष रिपोर्ट। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।